एक्सरसाइज 4B में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, नंबर वन में रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को दिखाना है। आइए सबसे पहले हम पहला दिया हुआ है 2/3, इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, दोनों तरफ एरो का निशान देते हैं, बीच में हम सेंटर पर ओ लिखते हैं, यानी कि ये जीरो हो जाता है। अब राइट के तरफ हम पॉजिटिव नंबर को डालते हैं और लेफ्ट के तरफ निगेटिव नंबर को डालते हैं। डालने के पहले हमको थोड़ा देर सोचना पड़ेगा कि हम कैसे क्या लिखना है। सबसे पहले 2/3 ध्यान देना होगा, 1/3, 2/3 और 3/3, इसको हम काट देते हैं तो ये 1 आ जाता है यहाँ पर लास्ट में 1, तो यानी कि हम इसको वन मान लिए, इसको 2 मान लिए, ठीक उसी तरह से इसको हम -1 मान लेंगे और इसको हम -2 मान लेंगे। ध्यान देने की बात है 0 और 1 के बीच में हमारा ये आ रहा है 1/3, 2/3 और 3/3। हम इसको दो पार्ट 1, 2 और यहाँ पर 3/3, यहाँ पर हम जैसे ही लिखेंगे 1/3, 2/3, इसके बाद ये आ जाएगा 3/3, इसका नाम भी लिख दिया जाता है A B C D, इधर भी हम नाम लिख देते हैं A B। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम दिखाना है हमको 2/3, 2/3 कहाँ है। सबसे पहले यहाँ पर 2/3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1/3 हो गया, यहाँ पर 2/3 हो गया, इसके बाद लिखेंगे 3/3, 3/3 जैसे लिखेंगे तो ये 1 हो गया, यानी कि 0 और 1 के बीच में हमको 3 पार्ट दिखा देते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है पाला में, पाला का लेकर 1 से लेकर 7 तक ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। दूसरा कह रहा है कंपेयर द फ्लोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर, दूसरा का पाला देखिए 2/3 एंड 3/4, हमको इसमें यह बताना है कि कौन सा पेयर जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे पहले क्या करते हैं 2/3 और 3/4, इसमें हम क्रॉस मल्टी, यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 और 9 हम जानते हैं कि 9 बड़ा होता है और 8 छोटा होता है, इसलिए 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3 या 2/3 3/4 में हम ऐसे बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन 3 वैसा ही है, उसमें भी हमको बड़ा छोटा और बराबर का चिन्ह भरना है। 4 में कह रहा है अरेंज द फ्लोइंग इन एस्केंडिंग ऑर्डर, आइए क्वेश्चन आपका एस्केंडिंग ऑर्डर का हम दिखा देते हैं, इजी है। सबसे पहले स्कैंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 6,
30 आ गया एलसीएम हमारा। हाँ भाई, 2/3 बराबर 2/3 इंटू 3 × 10 = 30, 2 × 10 = 20। नेक्स्ट है -4/5, -4/5 में हम गुना करेंगे क्या चीज़ से, उसका डिनोमीटर 30 आ जाए, 5 में 6 से कर दें, 4/5 के बाद -5/6, -5/6 5 से करेंगे 30 आ जाएगा। सेम नंबर से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, अब तीनों का डिनोमीटर हमारा सेम हो गया, यानी कि लाइक फ्रैक्शन नंबर में आ गया, रेशनल नंबर। अब इसमें हम देखेंगे कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा। -25/30 छोटा है -24/30 से, और ये छोटा है 20/30 से। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक सेम क्वेश्चन है 5। आज हम लोग इतना एक्सरसाइज 4A 4B पढ़े, आप लोग घर से फेयर इसका कीजिएगा। नेक्स्ट अगेन हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 4C में। थैंक यू।